रामपुर से जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जी की विदाई समारोह कार्यक्रम पूरा हो चुका है, उसी को लेकर रामपुर की जनता में एक दुखद भी है, दुख भी है, क्योंकि ऐसे जिला अधिकारी रामपुर में अब तक नहीं आए थे जो जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जी, चाहे कार्यालय को बात करते हैं या सोशल मीडिया पर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 फरवरी 2018 को DM जिलाधिकारी महोदय महेंद्र बहादुर सिंह जी रामपुर में आए और एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने स्कूल हमारे शिक्षा विभागों में बहुत अच्छा काम किया और एक बगैर डर की भावना से टीचरों को एक उत्साह पैदा किया और इस एक साल का रिजल्ट ये रहा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी पे कार्रवाई नहीं। उन्होंने एक संदेश दिया था, सुंदर रामपुर स्वस्थ रामपुर, क्या कहेंगे? स्वच्छ रामपुर सुंदर रामपुर का असर ये रहा कि रामपुर के प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और गांवों में उसका बहुत ज़्यादा असर रहा है। हमारे जो शिक्षा विभाग के हम टीचर लोग हैं उसके माध्यम से जागरूकता रैलियां, स्वच्छता जागरूकता रैलियां निकाल कर और लोगों को जागरूक करने के बाद बहुत अच्छा काम किया और आज उसका प्रभाव ये है कि रामपुर 80% स्वच्छ रामपुर सुंदर रामपुर बन चुका है। क्या कहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक कुंडीर है। क्या कहेंगे? और जो सर के आने से पहले, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय, इनके आने से पहले 14 वित्त आयोग में जो भौतिक परिवेश विद्यालयों का था कोई नहीं जानता था, जब से आए इन्होंने स्कूलों का भौतिक परिवेश बदल दिया है और रामपुर का नाम जो एशिया में प्रकाशित मैगजीन है उसमें रामपुर के कई जिलों का इन्होंने जिक्र किया था, तो इन्होंने जो स्वच्छ रामपुर सुंदर रामपुर का जो नारा दिया उसको हम जो शिक्षक गण है वो सार्थक करेंगे और बेसिक शिक्षा रामपुर की जो इन्होंने कायाकल्प किया उसको आगे ले जाएंगे। क्या ऐसे जिला अधिकारी को हमेशा लोग मिस करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? संसाधनों का किस तरह से सदुपयोग किया जाता है ये बताया रामपुर को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने और शिक्षकों को उसी सीमित संसाधनों में अपने विद्यालयों की काया पलट करने का जो हुनर सिखाया है उसके लिए रामपुर हमेशा महेंद्र बहादुर सिंह। क्या आने वाले जो जिला अधिकारी हैं उनसे यही उम्मीद करेंगे इस तरह के कार्य देखने को मिले? बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे। जो कार्यशैली श्री महेंद्र बहादुर सिंह जिलाधिकारी महोदय की 1 वर्ष 16 साल में रही है, हम ये चाहेंगे जो नवागंतुक हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी इसी कार्यशैली पे काम करें और हम भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने को तैयार हैं और जो बदलाव, जो क्रांतिकारी परिवर्तन महेंद्र बहादुर सिंह जी के द्वारा किए गए थे, हम उम्मीद करेंगे वही ट्रैक हमारे नए जिलाधिकारी महोदय का हो। बाकी अच्छा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे, ऐसे अधिकारी एक्टिव नहीं देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर हमने ये देखा कि जब इनके लिए सर्व लोकप्रिय जिलाधिकारी की वोटिंग चल रही थी तो सोशल मीडिया पर अगर हमने इनके लिए चैटिंग के तहत कोई भी मैसेज डाला तो यकीनन जो इनकी कार्यशैली रही है, चाहे 1 घंटे 2 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, फौरन इनकी रिप्लाई मिली और बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है तो उसके लिए इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है, उत्साहवर्धन किया है, बहुत बहुत आभार। क्या कहेंगे कि जिस तरह लोगों में एक दर्द भी है कि जिस तरह से ऐसे जिला अधिकारी एक परिवार का हिस्सा हो गए थे, समझ लीजिए जनता के लिए, क्या कहेंगे? जिला अधिकारी जी ने जनता के दिलों में प्यार बिछा लिया था और जो गैप था उन्होंने गैप को कम किया था और बहुत दिलों में प्यार और प्रधानों से लेकर अध्यापक और आंगनबाड़ी सबके लिए उनके लिए दिलों में बहुत प्यार और सम्मान दिया और एक प्रेरणा दी सबको काम करने के लिए। क्या कहेंगे? क्या ऐसे जिलाधिकारी की आने वाले जो जिलाधिकारी उनसे ऐसी उम्मीद करेंगे? ऐसे उम्मीद करते हैं कि जैसे इन्होंने काम किया है वैसे ही वो हमारे साथ सहयोग मिला काम करें और हम रामपुर को और आगे ले जाएं। अच्छा, एक स्वस्थ रामपुर सुंदर रामपुर का एक नारा दिया था, उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से स्वस्थ रामपुर और सुंदर रामपुर पूरे उत्तर प्रदेश में जितना सुंदर दिख रहा है रामपुर जो DM साहब ने दिया था कहीं नहीं दिख रहा है। क्या आप उनको मिस करते हैं? आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत दिल से दुखी हो रही है कि ऐसे अधिकारी हमारे रामपुर ज़िले में आज तक नहीं आए। ठीक है, जैसे जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जी ने रामपुर ज़िला रामपुर में कार्य किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, रामपुर की जनता को एक सबसे बड़ा तोहफा जो रामपुर की जनता को दिया है, पुल दिया है, पनवड़िया का पुल, करीब 10 साल हो गए लेकिन वो पुल नहीं बन पाया था, लेकिन जैसे जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के प्रयास से वो पुल भी मिला, एक समझ लीजिए रामपुर की जनता को एक वो पुल गिफ्ट करके जा रहे हैं। हमेशा रामपुर की जनता उनको मिस करेगी, चाहे सोशल मीडिया से बात करते हैं किसी भी कार्य को लेकर रामपुर की जनता मिस करेगी। रामपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ज़िशान खान।